सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अन वीडियो। सो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का, और सारा कुछ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि कौन सा पेपर मॉडरेट था, कौन सा टफ था, कौन सा इजी था, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और मैं सारा बताऊंगा कि 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको इस अटैम्प्ट में। ओके, अगर आपने एग्जाम दिया है तो ओके। तो पहले बात करते हैं मैथ्स एज यूजुअल मॉडरेट टू लेंदी आ रहा है पेपर, ठीक है। मान चलो कि वो लेंदी तो है, इसके वजह से उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जा रहा है। ओके, तो वो तो सारे में कॉमन ही है। अब बात करते हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस इस बार ज़्यादा पूछ रहे हैं। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग जून वाले सेशन में देखे थे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, थ्योरेटिकल आ रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा न्यूमेरिकल भी आ रहा है। ओके, और इजी टू मॉडरेट शिफ्ट का था फिजिक्स, आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, बट मॉडरेट कैटेगरी का आप कैटेगराइज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर कि उसका कैसा स्ट्रेंथ है फिजिक्स में। ओके, अब बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में असर्शन रीजन ज़्यादा पूछे गए हैं बहुत सारे लोगों से, मेरे को ये पता चला, मैंने रिव्यू भी लिया था सेंटर पर जाकर। ओके, और जो पेपर का डिफिकल्टी ले बताओ केमिस्ट्री में वो मॉडरेट था, ठीक है। आपके इनऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक से भी क्वेश्चन थे, और फिजिकल से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, क्योंकि फिजिकल आपको लाइक इंटीजर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, मतलब इंटीजर में ही मेनली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिजिकल में। ओके, और आपके ओवरऑल अगर पेपर की डिफिकल्टी की बात करें तो ओवरऑल मॉडरेट प्लस आप बोल सकते हो, इजी नहीं था और इजी टू मॉडरेट भी नहीं था, मॉडरेट आप कह सकते हो पेपर की डिफिकल्टी लेवल को। और बात करते हैं परसेंटाइल, तो अगर आपके 99 परसेंटाइल आप टारगेट करते हो तो 185 अगर है आपका तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। 98 की बात करें तो 170 बन जाएंगे, 97 की बात करें तो 160 प्लस पे आपके परसेंटाइल बन जाएंगे 97, और 96 145 प्लस बन जाएगा, 95 130 प्लस पे, और ठीक है 94 120 प्लस बन जाएगा। तो ऐसे ही आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल समझ सकते हो। अगर आपको कोई और डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना मत भूले। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।